बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज है 12.1। देखो क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5 या 2:5। ओके देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक हॉल है जिसके अंदर क्या है उसकी जो ब्रेथ एंड लेंथ उल्टा दिया हुआ है। पहले क्या होता था हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ होती थी, बट यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, पहले ब्रेथ बोलिए फिर लेंथ बोलिए, इसका ध्यान रखना। ओके तो वो क्या है 2:5, ठीक है जी। देन ये कहता है कि आपको एक टेबल दिया हुआ है, जैसे कि ब्रेथ हमारे पास है 10 meters, तो हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है 25। क्लियर। ऐसी क्या कह रहा है कि आगे जाके ना मैंने बॉक्स बना दिया, तो हमें इन बॉक्स की वैल्यू देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ ध्यान से देखना कि हमें 2:5 बोला ब्रेथ एंड लेंथ के लिए, तो हम क्या करेंगे जब इस तरीके से दिया है तो हमारे पास ये क्या होंगे, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियोज़ होंगे, यानी कि इसका रेशियो इक्वल टू इसके रेशियो होगा और इक्वल टू इसके रेशियो होगा, ठीक है ना। तभी तो टेबल के अंदर ऐसे बनाए गए हैं। तो हम क्या करेंगे सिंपल सी, देखो पहले इन दो को निकालते हैं 10/25। ओके देन वो कहता है कि इक्विवेलेंट है हमारे, क्योंकि क्या ये सेम उसमें है रेशियो में है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस बॉक्स की। तो क्या करते हैं हम ऐसे में, हम इन फ्रैक्शंस को हमारे पास फ्रैक्शन में है ना ये, तो एक डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, न्यूमरेटर को कर नहीं सकते क्योंकि न्यूमरेटर में तो निकालनी है। ओके तो क्या करेंगे 25 को 50 बनाते हैं। तो कैसे करोगे 25 को 50 बनाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप नीचे 2 से कर रहे हो तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। ओके और इधर बॉक्स हो गया और नीचे 50। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 20 नीचे 50, तो बॉक्स क्या हो गया यहाँ पे और ये, तो यहाँ पे क्या होगा जब नीचे 50 हो गया तो ऊपर 20 यहाँ पे, तो ये बॉक्स भी तो हमारा 20 होगा, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। ओके अब अगला निकालते हैं बॉक्स हमारे पास, देखो अब हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली 20/20, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आप इसको चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, बट अभी इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब आगे 20/50 ये हमारे पास आ गई है, अब हमें निकालनी है इसके लिए, ठीक है। तो ये है 40 और ये है बॉक्स। ओके तो क्या करेंगे, अब ये हमारे पास नीचे क्या है कॉन्सिक्वेंट, तो कॉन्सिक्वेंट में बॉक्स दिया हुआ है, नहीं कर सकते तो एंटीसीडेंट को सेम करेंगे। 20 को 40 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे 20 को 40 करने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको देखो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, अगर ऊपर भी एंटीसीडेंट को 2 से करोगे तो नीचे भी हमें 2 से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 को 2 से कर देते हैं हम। ओके और इधर क्या है 40 और इधर है बॉक्स, ये चीज़ है। अब देखो इसको सॉल्व करो 20 × 2 = 40 एंड 50 × 2 = 100, यही होगा। इधर हो गया हमारे पास 40 और नीचे हो गया बॉक्स। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ऊपर सेम है तो नीचे अगर प्रोपोर्शन सेम है और ये सॉरी ऊपर सेम है एंड ये रेशियो सेम है तो हम क्या कहेंगे, ये इक्विवेलेंट है हमारे पास, तो ये नीचे 100 है तो ये भी नीचे 100 ही होगा, तो यहाँ पे बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी 100। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो गया 100 meters। ओके तो इस तरीके से प्रोपोर्शन निकालना है। अब आप इनको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो करोगे तो आपके पास 2:5 ही आंसर आएगा। चेक करवा देता हूँ एक जल्दी से आपको, देखो यहाँ पे क्या 40/100, तो इसको डिवाइड करो आप किस से करोगे, पहले 10 से करो, 10 से डिवाइड करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 4/10। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 और ये 5, 2:5 आ गया। इसको चेक करवाऊँ 20/20/50 को, देखो पहले डिवाइड करो 10 से, जब 10 से डिवाइड करोगे तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ गया। 10/25 को भी चेक कर लो करना चाहते हो, तो देखो 10/25 क्या होगा, किससे डिवाइड करोगे 5 से, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 2 नीचे 5, तो हमारे पास क्या है जब रेशियो सेम है और सारे इक्विवेलेंट है तो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा सेम आएगी, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, आ जाइए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड जिसको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।